वेलकम टू द शो, आपका फेवरेट शो सिनेमा क्रॉनिकल्स, जिसपे आज एक ऐसी गेस्ट आ रही है, इनके फैंस करोड़ों में है, लाखों में नहीं करोड़ों में है, एंड इनके एक स्माइल ही काफी है आपका दिल लुभाने के लिए। जी हाँ, पहले भी ये सिनेमा क्रॉनिकल्स शो पे आई है, बहुत बढ़िया अदाकारा है, मेरी अच्छी दोस्त है। Let's welcome Nidhi Mahawan once again to the show of the Cinema Chronicles. Hi Nidhi. Thank you so much Rohan. Thank you so much. आज दोबारा मुझसे रूबरू होने के लिए, दोबारा से ये करने के लिए. Thank you so much. I'm really really excited today. Well, I'm excited with you. मैं मौका ही ढूंढता हूँ कि कभी आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिलता है. I know. It's a good thing यार. अच्छी एक्सरसाइज है, रोज हमें करनी चाहिए. मैं देखिए, अगर आप रोज हमारे साथ इंटरव्यू देंगे ना, तो मेरा चैनल बहुत आगे जाएगा. क्योंकि सिनेमा क्रॉनिकल्स की शान आप है, ठीक है. टू बी फ्रैंक, आपके दो ये वीडियोस है, मोर देन मंथ, बहुत सारे डजनों हिट्स है उस पर, और आपके फैन के कमेंट्स ऐसे आते हैं, कुछ कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि इनका अगला वीडियो कब आएगा. तो इसी के लिए मैंने ये सिफारिश आपसे की थी कि और एक वीडियो हम फिर से करते हैं आपके फैंस के लिए. वाओ, थैंक यू सो मच, एंड दिस इज फॉर ऑल माय फैंस. Love to you all and thank you so much. हम लोग ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं दोबारा से. अच्छा, मतलब ये कैसा हो रहा है ना, मतलब खुद का फायदा देखती है हमेशा. ये इस इंटरव्यू में भी यही कर रही है, मतलब इनको मैंने बोल दिया कि इनके फैंस इनके लिए रुके हुए हैं, तो लव टू ऑल द फैंस. नहीं, लव टू यू टू रोहन. ऑब्वियसली, तो ये गोज विदाउट सेइंग, दिस हैज टू कम फर्स्ट, देन द फैंस कम. Yeah, yeah, yeah. But you must be receiving a lot of support from your fans. I've been seeing the comments, I've been seeing the reactions. How do you feel about it? I feel so good about it. Matlab, it's a different experience altogether. See, friends or family ka support ek different support hota hai. But when your fans, those who watch your work, love your work, support you, and you know, constantly वो लोग जब आपसे पूछते हैं कि मैम आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आएगा, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, एंड व्हेन दे अप्रिशिएट यू कि आपका ये एक्ट हमें बहुत अच्छा लगा, आपकी ये सीरीज हमें बहुत अच्छी लगी, आई लाइक योर एड एंड एवरीथिंग, आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड कि यू नो आई एम इन सच अ प्रोफेशन जहाँ पे आई गेट द रिएक्शन लाइक इंस्टेंटली, क्विकली. यस, आई नो दैट, आई हैव बीन सीइंग इट. I have been seeing you start from the scratch with both of us. We both have seen each other. Absolutely. Since we start back. We have been together since the Naptol days. Absolutely, yeah. Till TV Asia. Now, ye kyun aapko main bol raha hu? Because there's a question with relation to that. Oh, acha. Nice. Yes. So our journey goes. Haan ji? Haan, to our journey goes long back to Naptol. Yes, and Naptol mein you were the lead face of the channel. Oh. Yeah. And lead face se lekar, then TV Asia, that channel, those news are being aired in USA, United States. तो आप USA में भी एड हो रही है. Okay. And by God's grace, मैं भी आपके साथ में रहूँ उस जर्नी में. So yes. I would also take the bit of the credit of that. You have okay. to take all the credit. I am in TV Asia. I've been doing TV Asia because of you. Thank you for calling me there. No, it's my pleasure. Yeah. You came because you came over there. That's the biggest thing. But how do you feel? Naptol pe aap home shopping mein anchoring pe thi. वो एक अलग जॉनर था, यू नो, एंकरिंग का. एंड देन न्यूज में टीवी एशिया, वो भी सीआरयूपी कम्युनिटी राउंड अप, विच इज अ सोशल यू नो बुलेटिन, एंड यू फॉलोड बाय न्यूज चैनल वर्ल्ड न्यूज, मतलब पूरे दुनिया की न्यूज. आप यू नो यूर देयर ऑन द फेस ऑफ द चैनल, पीपल वॉच यू इन यूएसए, कैनेडा. हाउ डू यू फील अबाउट दैट एक्सपीरियंस की इंटरनेशनली भी मुझे रिकॉग्निशन मिल रहा है यार. आई फील रियली गुड रोहन. आई मीन नाप्तुल से एक जो मुझे चीज मिली, हाउ टू बी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड नेवर टू यू नो अपने आप को बिल्कुल भी किसी तरह से रोकू नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस करो अच्छे से एंड कैमरा कॉन्शियस नहीं हो, तो नाप्तुल ने ये बहुत हेल्प की मेरी एज एन एंकर कि आई वॉज नेवर वेरी कॉन्शियस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. कोई भी बात मैं फटाफट पिक करके, यू नो, आई एम वेरी आई बिकेम very spontaneous thanks to Naptol, and Naptol yes. was a different
era altogether, क्योंकि टेली शॉपिंग था और यू नो वी वर सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन टेलीविजन और बहुत सारे लोग नाम तो देखते थे सिर्फ मुझे देखने के लिए मेरे घर पे तो एटलीस्ट. देन फ्रॉम देयर टू टीवी एशिया हैज बीन अ वेरी वेरी आई वुड से अ वेरी ओवरवेलमिंग एंड अ ग्रेट जर्नी. क्योंकि टीवी एशिया के बाद में एक तो आई गॉट टू नो हाउ टू कंट्रोल योर काम, कीप योर काम, क्योंकि न्यूज जो है वर्ल्ड वाइड न्यूज हम टीवी एशिया में आई रीड द वर्ल्ड वाइड न्यूज और यू कैन नॉट गो वेरी एक्साइटेड, यू कैन नॉट बी वेरी डल ऑल्सो एंड यू हैव टू मेंटेन दैट पेस एंड यू हैव टू मेंटेन एन ऑरा अराउंड यू एज बीइंग अ न्यूज एंकर. सो दैट इज वन थिंग. एंड ऑल्सो It feels great that people in USA and Canada are also watching me, and not just that, they send appreciation emails also. I mean, I have received during all this time, I've received a lot of appreciation emails across from USA and Canada, people telling the channel that they really love watching me as an anchor, about the pronunciation and everything, which is really good. I feel great. Well, I was just listening to you. मैं आपको सिर्फ सुन रहा था अभी. मैंने कहा कि ये तारीफ कर रही है खुद की तो हम चुप बैठे हैं. सबसे बड़ी तारीफ इन्होंने शो पे कर दी है कि जब ये नापतोल पे थी तो लोग तब देखने के लिए नापतोल पे. Right. I wanted that point to come out. Yeah, because यार मेरे फैमिली अ लॉट ऑफ पीपल आई मीन स्टिल अ लॉट ऑफ माय फैंस से कि आप हम तो नापतोल देखते थे आपको देखने के लिए. अ लॉट ऑफ माय फैमिली यूज्ड टू वॉच नापतोल जस्ट टू सी मी ऑन टेलीविजन. यस इट्स आई नो दैट. इनफैक्ट आई हैव एन एक्सपीरियंस यू नो आफ्टर योर लास्ट इंटरव्यू केम आउट ऑन आवर चैनल देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड्स आई विल नॉट टेक हिज नेम. ओके ही हैड सेंड यू अ मैसेज. I remember. Okay. On Facebook, we'll not disclose the name. Okay. But he had you know commented on your link. Uh-huh. And he had asked me, do you know her? I said she's my good friend. Uh-huh. He had sent you a friend request, and I think he had also sent you a hi hello. I remember you had spoken with me on that. Yes. I do. I would not take the name. Of course, I do remember that person has been following me constantly on Instagram, on Facebook. He watches my life, he follows my work, everything. And he also told me that, you know, tumko janta hai wo. So, yeah. I remember. Not just that, do baar unka call aaya tha mujhe. Unhone bola tha, kya, you know, tu number de paayega? Nidhi ka. Main bola, yaar, number I cannot share, of course. Haan. To kya tu milwa paayega kabhi? Main bola, tu interview se dekh lena, khush ho ja. Usse hi. I know. Nahi, to interview is bahut. We'll try to meet him sometime. किसी दिन मिलते हैं आप और मैं और आपके वो friend. नहीं definitely. I was just kidding with him. Yeah. I actually told him that we'll meet soon. Lockdown तो खत्म होने दे बाबा. Absolutely. उसको lockdown खत्म होने का भी इंतजार नहीं. वो बोल रहे कि जल्दी जल्दी मिला दे यार क्योंकि मैं उसका फैन हूँ. How sweet of him. So lockdown यार ये lockdown का face कैसे रहा है आपके साथ में? How did he treat you? Were there goosebumps? Were there anxieties? कैसे निकला? It was a mixture, I guess. Initially lockdown हुआ तो पहले तो एकदम से it was something very new, क्योंकि ऐसी state of emergency throughout, I mean बचपन से अभी तक मैंने देखी ही नहीं है life में. जी जी. The kind of emergency that we were in जब lockdown हुआ था, you were not allowed to go out of the house and everything. Actually. और उस time पे TV Asia का shoot constantly चल रहा था. For a few days, I tried to reach the studio and read my news. But then one fine day, I was like, transportation is a problem. Plus, I'm not going to take that risk. So, घर से फिर मैंने record करना शुरू किया. तो news मैं घर से record करके send करती थी. And हाँ, तो पूरा दिन अब घर में हो आप, तो आपका पूरा दिन अगर utilize हो जाए, सोचो. सुबह से लेके शाम तक आपके पास में एक टास्क है दैट यू हैव टू फिनिश. सो यूजुअली जब हम लोग स्टूडियो में न्यूज रिकॉर्ड करते हैं तो स्टूडियो में न्यूज रिकॉर्ड करने में मैक्सिमम हाफ एन आवर लगता है, बिकॉज यू हैव द टेलीप्रॉम्प्टर, कैमरा है, टेलीप्रॉम्प्टर है, देयर इज समबडी टू रोल द कैमरा, टेक केयर ऑफ द लाइट्स एंड एवरीथिंग. बट यही चीज अगर आपको घर में करनी है तो इमेजिन हाउ इज इट गोइंग टू बी. सो फॉर मी इट वॉज अ वेरी
great and a learning experience because मैंने पूरे लॉकडाउन में कैमरा भी खुद हैंडल किया, लाइट्स भी खुद की, हेयर मेकअप खुद किया, देन इंस्टेड ऑफ अ टेलीप्रॉम्प्टर आई मेमोराइज द एंटायर न्यूज, जितने हमारे एंकर लिंक्स होते हैं न्यूज के, आई मेमोराइज द एंटायर न्यूज और फिर उसको रिकॉर्ड करती थी, कुछ गड़बड़ होती थी तो फिर कट करके फिर वापस रिकॉर्ड करती थी. सो या जो आधे घंटे में यूजुअली काम हो जाता है, इट टुक मी एंटायर डे. तो दैट वॉज वन लर्निंग एक्सपीरियंस दैट या आई कैन मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई ओन. तो आई कैन शूट ऑल्सो, मतलब आई कैन भी अगर काम के टाइम पे आपको स्टैंड इन कैमरा मैन चाहिए, आई कैन बी द कैमरा मैन ऑल्सो. मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रही है कि बॉस अभी मैं सब सीख गई हूँ, जितने भी कैमरामैन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं अब तुम्हारे जॉब जाने वाले हैं क्योंकि सारा काम मेरे पास आने वाला है. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. मैंने कहा जब अगर जरूरत है तो, मतलब ऐसी जरूरत है जो बस कैमरा फिक्स कर दिया और मेरे को रिकॉर्ड करना, बस इतना है मुझे. आई कैन नॉट कम्पीट विद द ग्रेट सिनेमेटोग्राफर्स ऑफ our Bollywood industry. I just cannot compete with them. so I take my words back on that. Absolutely, absolutely. चलो मतलब ठीक है, ये अभी कह रही है कि वो नहीं करेंगी लेकिन फिर भी करेंगे अगर लॉकडाउन आगे चला तो. Anyways, it's not easy doing, you know, shoots at home. Yes. And that also you need to look good. You need to manage yourself, the scripts, everything. Yes. Main hai ki aap, you're the face of the channel, means you're looking on the screen. Absolutely. You're there on the screen. And ek din bhi agar hota hai na ki kahin se thoda sa baal idhar udhar ho gaya, to complaints aati hai. Absolutely. So you need to be very perfect when you look absolutely on the screen for this particular thing. Bilkul, mere saath wahi hua Rohan. In fact, pata hai, jab record kari thi to मेरे साथ में ये बड़ी दिक्कत होती थी बिकॉज माई हेयर गेट्स अ लिटिल फ्रिजी, स्पेशली गर्मी के समय. और घर पे रिकॉर्ड करने का मतलब ये था कि एसी भी नहीं चला सकती थी बिकॉज एसी की आवाज आती है. सिंस आई वाज शूटिंग फ्रॉम माई फोन का कैमरा तो एसी की आवाज आती है एंड एवरीथिंग, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी मुझे, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी. आई वुड गेट इरिटेटेड और एसी भी नहीं है, गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, थोड़ा सी इरिटेशन भी होती थी. बट ऑल टुगेदर इट वॉज अ वेरी 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 ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस क्योंकि सी आई गॉट टू नो कि मैं बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट कितनी जल्दी से मेमोराइज कर सकती हूँ. प्रोनाउंसिएशन की सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई मेरी, नो प्रोनाउंसिएशन इश्यूज. देन ऑन टॉप ऑफ इट आई कैन हैंडल शूटिंग कैमरा, अगर एक जगह फिक्स कर दो तो मैं हैंडल कर सकती हूँ शूट. देन अदर देन दैट ऑब्वियसली लॉकडाउन के टाइम पे आफ्टर शूटिंग एंड एवरीथिंग, सिंस मेरी हाउस हेल्प नहीं थी, I was doing all the house chores, so that was reinventing myself as well, doing the house chores, khana wana and everything. So yeah, that was a good experience altogether. It was a good experience. Ji, ek do cheez aapne ek baat kahi hai, isme se ek cheez main puchna chahunga aapko. But yes, first of all, I'll also tell you, even I'm missing shooting with you. Mujhe bhi aisa cheez, kab main apne next episode aapke shoot kar raha hu, it's been long time for deviation. I know, seriously, I know. Delicious, been a long time. आपने बात कही खाने की, मुझे याद है एक बार आपके घर पे आए थे हम लोग, मैं और मेरे फ्रेंड्स, और आपने बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाया था. पुलाव की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपने बनाया था. एंड वो बहुत बढ़िया बनाया था. शी इज अ वेरी गुड कुक, एवरीवन शुड नो शी इज अ वेरी गुड कुक. दिल से बनाती है, दिल से खिलाती है. जितना भी आपको खाना है आप खा सकते हो उनके घर पे जाके. कभी बोलती नहीं है कि यू नो अरे बस कर यार, इतना कितना मुझे बनाना पड़ा है, कितना तकलीफ हुई, ऐसा कुछ नहीं. दिल से खाओ, मतलब आप उनके घर पे भी रहोगे और बोलोगे ना यार और मुझे चाहिए तो वो और बनाती है. Of course, you've experienced it, Rohan. मतलब this is the absolute truth. You know it, you've been there. मुझे ना अच्छा, so this I got from my parents. मतलब हमारे घर में बचपन से मैंने ये चीज देखी है कि जब भी कोई आता था ना तो मॉम डैड बिना खाना खिलाए कभी किसी को भेजते नहीं थे. आई गॉट दैट फ्रॉम माई पेरेंट्स. एंड ऑब्वियसली मुझे ना खाना बनाने का बहुत शौक था बचपन से. मुझे खाना बनाने का बहुत 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 शौक है. मतलब आई ट्राई ऑन न्यू डिशेज और जो ऑलरेडी डिशेज आती हैं उसको किस तरह से ट्विस्ट करके एक नया रूप दे सकते हैं, वो सब करना मुझे बहुत पसंद है. एक्सपेरिमेंटिंग विद द कुकिंग आई लव. सो यस, और इसी और मुझे खाना खिलाना बहुत पसंद है.
मतलब आई रियली लाइक इट व्हेन पीपल कम ओवर और फिर उनको खाना बना के खुद खाना बनाती हूँ मैं और खिलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो दैट इज आई नेवर फील बैड, मतलब उसमें कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार अरे यार फिर बनाना पड़ेगा, मुझे उसमें ना ये दिक्कत वाला काम नहीं लगता. मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा टास्क है, मुझे लगता है कि हाँ यार कोई आया तो अच्छे से खाना खा के जाए, खुश होके जाए. अपनी पसंद से तो मैंने जो बनाया बना दिया, आपकी पसंद का भी कुछ चाहिए तो वो भी बना के देती हूँ, मतलब लाइक दैट. नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये जो आप बोल रही है ना अभी, यू आर अ गुड कुक दैट आई आल्सो नो एंड एवरीवन फ्रॉम द शो आल्सो नोस नाउ, बट वो चीज ये है कि खुश तो होके सब जाते हैं पर जब घर से बाहर निकलते तो ये सोचते कि अगला मौका कब मिलेगा ताकि हम फिर से जाए और फिर से वो खाना खाए इनके हाथ का. हाँ तो नेक्स्ट टाइम आ जाओ, लॉकडाउन खत्म होने दो, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने दो, आओ घर पे, मैं बना के खिलाती हूँ तुमको. देखो देखो उसके पीछे दो रीजंस है, ठीक है. हाँ. एक तो खाना खाने मिलता है और मुलने का भी मौका मिल जाता है. एब्सोल्युटली. एक तीर से दो शिकार. वही ना, एक तीर से दो शिकार. वो मौका मिलता है. एनीवेज इट यू रियली आर वेरी गुड कुक एंड दीदी योर प्रोजेक्ट्स, काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपके हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. यू हैड साइंड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. यस. ठीक है. वन ऑफ देम वाज जिंदगी रीसेट. हां. जिनकी शूटिंग जो मुझे पता है कि शूटिंग हो रही थी फिर लॉकडाउन की वजह से रुक गई. हां. एंड अभी अगर लॉकडाउन खुलता है तो द शूटिंग विल स्टार्ट वंस अगेन. यस. माय क्वेश्चन गोज टू यू, व्हाट इज जिंदगी रीसेट? It's something reset, मतलब पीछे हम जा रहे हैं जिंदगी में, something like that, या आगे बढ़ रहे हैं, या फिर there's something suspense into it. Oh, okay. So how do we do जब हमारा फोन खराब हो जाता है, फोन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फोन हैंग हो जाता है, we restart the phone, right? जी. So why can't we restart our जिंदगी? बहुत बढ़िया क्या आपने? बहुत छोटे से एक छोटी सी लाइन में मैंने बस पूरा क्रक्स बता दिया आपको, इससे ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली अभी शूट चल रही है और वंस द शूट इज ओवर एंड वी गो ऑन प्रमोशंस एंड एवरीथिंग तो फिर मैं आपको बताऊंगी. लॉकडाउन से पहले यस हमारी ये शूट चल रही थी और लॉकडाउन अभी जैसे धीरे धीरे अनलॉक होना शुरू हो गया है तो अब शूट रिज्यूम होने शुरू हो जाएगी और वंस वी गो ऑन फ्लोर इसकी शूट कम्प्लीट होगी एंड देन क्योंकि अभी आउटडोर शूट की परमिशन नहीं मिली है बिल्कुल भी. आउटडोर व्हेन आई से आउटडोर मतलब स्टूडियो के बाहर अगर कुछ भी शूट करना है तो उसकी परमिशन भी गवर्नमेंट ने नहीं दी है. तो जितना भी इंडोर अंदर का स्टूडियो के अंदर का शूट बाकी है तो वो हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे और जैसे जैसे फिर परमिशन मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग आगे का शूट रिज्यूम करेंगे. ओके. ओके. वन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स. हाँ. ठीक है. इसका नाम सुन के आई वाज सेइंग ये कुछ इट हैज अ हॉलीवुड फील इन टू इट. द नेम इज मिराज. इट्स वेरी अट्रैक्टिव नेम. कुछ अलग ही नाम है. मैं जब ये सोचता हूँ तो इसके पीछे मैं सोचता हूँ कि कुछ अलग ही कहानी है और हमने ये सुना है कि आप बहुत बढ़िया पावरफुल किरदार इसमें निभा रही है एंड बहुत अलग किरदार जो आपने आज तक निभाए हैं उससे अलग किरदार है ये. सो हाँ इट इज अ लिटिल डिफरेंट कैरेक्टर्स देन अदर्स और इसमें काफी अच्छा कैरेक्टर है. आई मीन टिल द टाइम यू सी इट तब तक आपको पता चलेगा बट आई कैन से जिंदगी रीसेट के बाद द मिराज की शूट हमने शूट की थी तो मिराज का फर्स्ट शेड्यूल ही हम लोग शूट कर पाए थे एंड अगेन लॉकडाउन हो गया था तो द मिराज की शूटिंग भी आई गेस बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी एंड वंस दैट गोज ऑन फ्लोर तो देन आई विल अपडेट. मिराज हैज अ ह्यूज स्टार कास्ट. काफी नोन नेम्स हैं, काफी बड़े बड़े नेम्स जुड़े हैं इस सीरीज के साथ में. सो या इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ. कैन वी नो द नेम्स हु आर देयर इन द प्रोजेक्ट? लेट्स जस्ट कीप इट अ सरप्राइज. सो वी विल कीप दैट अ सरप्राइज. सो व्हेन आर वी एक्सपेक्टिंग इट टू कम आउट? व्हिच डेट व्हिच मंथ? सी अभी तो शूट ही रुकी हुई है सो वंस द शूट इज ओवर एक बार शूट कंप्लीट हो जाए उसके बाद में डबिंग पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो जाए देन ओनली यू नो
हम लोग कुछ कह सकते हैं कि कब ये आउट होगा, बट या जस्ट हैव योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई एम श्योर जल्दी. यार आपके फैंस के दिल नहीं थम रहे हैं आपको जल्दी स्क्रीन पे देखने के लिए. आप बोल रही है कि प्री पोस्ट प्रोडक्शन है, टाइम लगेगा. अरे जल्दी जल्दी कीजिए वो, रुके. अरे अच्छी चीजें, यू नो अच्छी चीजें बनने में टाइम लगता है ना. वो तो मुझे मुझे आई हैव द पेशेंस. आपके फैंस को नहीं है ना, मुझे रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि जल्दी इनका प्रोजेक्ट बाहर लाओ. अरे नहीं नहीं, माय फैंस विल आल्सो हैव पेशेंस एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माय फैंस कि अभी थोड़ा सा पेशेंस और रखिए. समथिंग बिगर, समथिंग बेटर इज गोइंग टू हैपन जिंदगी सेट विद द मिराज. सो एंड देयर इज वन मोर प्रोजेक्ट लाइंड अप, दिस इज फॉर स्पाइस इन लाइफ. और उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मैंने प्ले किया है. सो मतलब आप लोग को वेट करने के बाद में जब भी प्रोजेक्ट्स आएंगे ना, आप लोगों को मलाल नहीं होगा कि यार इतना वेट किया और ये क्या. स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी विद अ ट्विस्ट. एंड उसमें ट्विस्ट क्या है वो जानने के लिए दिस इज वंडरफुल. ऑन द जॉनर्स ऑफ यू नो आजकल का ये एक दौर चल रहा है जहाँ पे अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स मतलब छोटी छोटी स्टोरीज मिलके एक बड़ी सीरीज या मूवी बनती है. सो टाइम्स हैव चेंज्ड एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग सच स्टोरीज एंड आपकी हर इसमें ट्विस्ट तो रहती है हर स्टोरी में. So this is do you purposely choose such projects which have a twist into it? Absolutely. मुझे ऐसा लगता है कि there should be something different in every project that I do. Story wise, character wise, कुछ तो different होना चाहिए. तो that is the reason I choose. Nee, that's definitely good. And you're doing it Prime Flix. It's a big brand today, big name. And best of luck to that project also. आपका we are. I'm more excited about the Prime Flix project. Yeah, because it's also very close to me because we both have worked with Sushil sir. So yes. Yeah. Absolutely. So हमारा नाता रहा है. So we are looking forward to that. आपने कभी सुना है कि multiple hats into one? ये तो सुना रहेगा आपने. हाँ सुना है. Why? Of course it has to do with you. यार ये मेरे it's not related to me. हमें ये पता चला है कि आप तो एक्ट्रेस तो है ही, ठीक है, लेकिन उसके अलावा इनसाइड सोर्सेज आपके पीछे हमने लगा दिए थे. हमें ये पता चला कि आप राइटिंग के भी शौकीन हैं और आप प्रोड्यूस भी कर रही हैं कुछ 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 प्रोजेक्ट्स. क्या सही बात है, थोड़ा हमें बताइए. ओके, सो राइटिंग इज अ शौक, हाउ डिड यू गॉट दैट न्यूज? ये तो थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि आपने तो बहुत ही तगड़े रिसोर्सेज लगाए अबाउट राइटिंग. यस, आई राइट, आई हैव अ नैक ऑफ राइटिंग. मेरा पैशन है, जब भी मेरे अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस इकट्ठे हो जाते हैं, जब गुड बैड और अगली, आई राइट देम आउट. सो उससे कभी कभी बहुत अच्छी चीजें निकल के आ जाती हैं. सो आई हैव रिटन अ फ्यू पोएम्स एंड आई एम राइटिंग समथिंग. Let it be a surprise. Yeah, let that be a surprise at least. And as far as about production goes, so yes, I am venturing into production. I am becoming a producer as well. So, abhi very recently I did one project as a producer, which released on the Hotshot app. And yeah, it was a good experience. Yeah, I mean. It feels good for once to not be in front of the camera and be behind it and see what all goes through a producer's mind. But it's not an easy job. There's a lot of finances involved into it. So my question to you is, आपके acting का कमाल तो आप देख चुके हैं, ठीक है? अभी आपके writing का कमाल देखना है. ये दो तो मुझे एक दो poems मिले भी हैं आपके, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, शो के बाद आपको बताऊंगा कि किसने हमें दिए थे और कौन से poems हैं. So,
Okay, I would definitely want to know who is that person. जी वो आपके काफी close है, आपके बहुत close है, family member है आपके, and उनको पकड़ लेना इस शो के बाद कि कैसे आपने इनको दे दिए points. Definitely, आपको मैं पकड़ने वाली हूँ. But all things said and done, I'm glad at least you know. नहीं, I'm really. हाँ यार, everyone knows. वो कहते हैं ना, lockdown का कमाल है ये. हाँ. पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा था क्योंकि हमें नहीं पता था ये लॉकडाउन में घर बैठे बैठे आपके घर से इन्फॉर्मेशन हमने ले ली, ऐसा सिनारियो है. देखा, मैं वही सोच रही हूँ, घर बैठे बैठे आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, तो आगे पता नहीं क्या कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन निकालेंगे. प्रोड्यूसिंग समथिंग इज नॉट इजी, यू नो, एंड इट्स लॉट ऑफ फाइनेंसेस इन्वॉल्व. आपके जहन में जब आप कोई प्रोड्यूस करते हैं, शॉर्ट स्टोरी भी हो या फिर सीरियल्स हो, मूवीज हो, वेब सीरीज हो, यू नो, फर्स्ट थिंग होता है कि क्या ये हमें प्रॉफिट्स ला पाएगी, क्या ये स्टोरी उस लेवल तक जाएंगी. कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंटेंट ओरिएंटेड ड्रामास बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो जब मेकिंग में चल जाते हैं तब कुछ ना कुछ लूपहोल्स उसमें मिल जाते हैं, जब क्रिटिक्स, यू नो, क्रिटिक्स रिव्यू होता है, एंड देन वो उतना आगे नहीं जा पाते. सो क्या वो डर आपके आपको रहता है हमेशा कि यार ऐसा ना हो मेरे प्रोजेक्ट के साथ? व्हाट डू यू बेसिकली व्हेन यू चूज फॉर प्रोजेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग, आप क्या जहन में आपके आता है? वेल, जब यू नो, सो दिस बीइंग अ प्रोड्यूसर, आई वांटेड टू प्रोड्यूस ऑलवेज. मतलब मैंने ये सोचा था कि हाँ, लेटर ऑन इन लाइफ आई विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, बट दिस हैपेंड एंड आई वाज लाइक, व्हाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट विद दिस प्रोजेक्ट. सो आई थॉट अबाउट दिस प्रोजेक्ट, आई हैड हर्ड द स्टोरी, अ फ्रेंड ऑफ माइन फैजल, हु इज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ही नरेटेड द स्टोरी एंड आई रियली लाइक्ड इट. आई वाज लाइक, आई वुड वांट टू प्रोड्यूस इट विद यू. सो ही वाज लाइक ओके, एंड देन वी गॉट sat on it, thoda budgeting ke liye, and then about a lot of other things, how would we go about it, finalizing the actors, the script and everything, script ko lock karna, script pe pehle to kaam karna, uske andar jo bhi flaw, agar thodi si kamiyan hai to us kamiyon ko sudharna, and then uske baad mein finalizing the actors, then finalizing the locations, and then taking the permissions, and then वो सब होने के बाद में finally the day of the shoot कोई mishap ना हो जाए, वो चीज की worries रहती हैं. then उससे निकल के जब आप post पे जाते हो, आपका product shoot तो हो गया, but when you go on the post, आपको post production करना है, editing करनी है, DI करना है, VFX करना है, dubbing करनी है, उसमें और दिक्कतें आती हैं, उसमें क्या क्या challenges आते हैं. I now being on the other side, now I know what goes through in a producer's head. So I have all the more respect for all. So I have a question for you, like that's why I asked you multiple hats into one. Okay, you are donning the producer's hat now. Yeah, so basically I follow Anushka Sharma a lot, mujhe bahut pasand hai unka kaam. Right. For newcomers, she's very good. Thought process बहुत अच्छी है, नए projects करती है, अलग अलग stories के साथ, अलग अलग genres के साथ, न्यू एक्टर्स को चांस देती है. अभी का जो अभी टाइम चल रहा है, यू ऑल्सो नो क्या चीजें हो रही है. सो द नेपोटिज्म डिबेट इज देयर, द इनसाइडर आउटसाइडर्स डिबेट इज देयर. सो डू यू प्लान टू वर्क द अनुष्का शर्मा वे एंड गिव न्यू कमर्स अ चांस? Absolutely. Why? Because देखो, सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, एवरी इंडस्ट्री gives everybody an equal opportunity, right? तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्यों होना चाहिए कि ओनली द इनसाइडर्स गेट द वर्क एंड आउटसाइडर्स डोंट? आई वुड लव टू गिव आउटसाइडर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, गिवन द फैक्ट दैट दे आर गुड एट देयर वर्क. इफ देयर एक्टर्स, दे शुड बी वेरी गुड एट देयर एक्टिंग. इफ देयर डायरेक्टर्स, दे शुड बी वेरी गुड एट देयर डायरेक्शन. इफ देयर डीओपीज, राइटर्स, anybody, but they should be good at it. If they're good at it, yes, I would love to give them a chance, equal opportunity. And I say this because मैं खुद एक outsider हूँ. मेरी family में कोई नहीं है industry से, so मुझे पता है what all struggles we all go through. हम लोगों को कितना problem नहीं, but हाँ, struggle हमारी ज़्यादा होती है, because काफी time लग जाता है हम लोगों को सिर्फ contacts बनाने में,
गेट टू अ पॉइंट वेयर लोग आपको जाने पहचाने और आपको सामने से बुलाएं कि आप आके हमारे लिए काम करो, तो इसमें काफी टाइम निकल जाता है. एंड आई थिंक एवरीबडी शुड गेट दैट चांस. थोड़ा इनसाइडर्स के लिए इजी हो जाता है बिकॉज दे बॉर्न इन द इंडस्ट्री, बट आई गेस दे हैव देयर इक्वल, दे हैव देयर शेयर ऑफ स्ट्रगल्स एज वेल, बट इट्स अ लिटिल इजियर फॉर देम इन टर्म्स कि उनके पास कॉन्टैक्ट्स इजीली होते हैं, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स थोड़ी मुश्किल हो जाते हैं. तो यस, गिवन दैट थॉट एंड वो थॉट को दिमाग में रखते हुए आई वुड मेक श्योर दैट यू नो नए लोगों को चांस मिले, नए लोगों को आगे बढ़ाएं. दिस इज वॉट इवन आई एम, एंड सो आई कम्प्लीटली वुड गो द अनुष्का शर्मा वे. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थॉट्स. बस मेरे दिल की जो बात थी वही आपने कह डाली कि न्यू कमर्स को चांस देना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू योर सेल्फ आर फ्रॉम द आउटसाइडर वर्ल्ड, एंड यहाँ पे आउटसाइडर्स को पैर जमाना आसान नहीं होता है. पल पल में खतरे होते हैं या पल पल में बहुत स्टोन्स होते हैं, वो हमें पार करने पड़ते हैं. सो हैट्स ऑफ टू यू, एंड वी लुकिंग फॉर सम गुड बेटर प्रोजेक्ट्स, कंटेंट ओरिएंटेड ड्रामास फ्रॉम योर एंड लिली, एंड लुक फॉर टू मेकिंग सम ग्रेट सिनेमा विद यू अहेड. नाउ वी कम टू लॉकडाउन, ठीक है? जी 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 जी. गवर्नमेंट ने बहुत कुछ चीजें बोली थी लोगों को, आप घर पे रहो, बाहर मत जाओ, रूल्स पालो, टैकल के कैसे करते हैं इसको, इन चीजों पे बहुत कुछ चीजें बोली है, आपकी राय क्या है? देखो अभी आई कम्प्लीटली अग्री विद द गवर्नमेंट, नॉट जस्ट बिकॉज कि हम लोगों को यू नो इससे बचना है, ऑल्सो बिकॉज अभी तक वैक्सीनेशन नहीं है. वैक्सीनेशन आने में कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा, वो कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी वैक्सीन तैयार करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रायल्स, और कुछ नहीं तो मिनिमम जो लोग भी थोड़ा सा भी जिनको फार्मेसी के बारे में पता है, दे नो कि एक नई मेडिसिन को किसी मार्केट में उतारने तक का, नई मेडिसिन बनाने से लेके मार्केट में उतारने तक का प्रोसेस कम से कम 2 से 3 साल का होता है, और वो प्रोसेस अभी बहुत ज़्यादा स्पीड अप करके अलग अलग जगह पे ट्रायल्स करके बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज तैयार कर रही हैं मेडिसिन. लेट्स होप कि एक अच्छी वैक्सीन अवेलेबल हो. बट हैविंग सेड दैट, घर पे रहना, देखिए मैं जानती हूँ कि घर पे कब तक रहेंगे, काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, घर चलाना है. तो घर से अगर आपका काम घर से हो सकता है तो चूज कीजिए कि आप घर से काम करें. अगर आपको बाहर निकलना ही है तो आप पूरी प्रिकॉशंस लेके बाहर निकले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर प्रिकॉशंस नहीं है तो अगेन बीमारी का इस बीमारी का इलाज नहीं है, कोरोना वायरस COVID-19 का इलाज नहीं है. तो आप बीमार पड़ जाएंगे, न सिर्फ आपके साथ में जो लोग रहते हैं वो लोग बीमार पड़ जाएंगे, और ऐसे ये चेन बढ़ती जाती है. इट्स लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं होती, जैसे 1 से 4 लोग, 4 से 4 लोग, हर 4 में से 1 लोग से 4 लोग, तो उस तरह से ये बीमारी बढ़ रही है, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह स्ट्रैटेजी है इस बीमारी की. तो आप सोच लीजिए कि आपको वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली स्कीम में बीमार होना है लोगों और ज्यादा बीमारी फैलानी है, या उसको कंटेन करके सही रहना है. तो जितना जरूरी हो उतना ही बाहर जाएं, और जब बाहर जाएं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मास्क आपके पहन के रखें, ऑफिस में भी सारा टाइम मास्क लगा के रखें. एक एडिशनल चीज़ मैं कहना चाहूँगी जो कोई नहीं बोल रहा, ग्लव ज़रूर पहने, क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में काम करने के लिए जा रहे हैं, नॉट एवरीवेयर हर जगह पानी और साबुन अवेलेबल नहीं है हाथ धोने के लिए, और सैनिटाइजर से भी बिकॉज इट इज 90% अल्कोहल और 100% अल्कोहल, तो सैनिटाइजर से भी स्किन के थोड़ा साइड इफेक्ट्स होते ही हैं व्हेन यू यूज इट बार 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 जब आप यूज करते हैं. तो उसके लिए भी आप ग्लव्स पहने, ग्लव्स को सैनिटाइज करके देन वापस आके आपको ग्लव्स, अगर डिस्पोजेबल ग्लव्स आप इस्तेमाल करें तो आप उसे डिस्पोज कर सकते हैं, नहीं तो रीयूजेबल जैसे मैं यूज करती हूँ तो आप उन्हें वॉश करके रख सकते हैं, यू कैन रीयूज इट. देन थोड़ा एक डिसइंफेक्टेंट आप हमेशा अपने साथ में रखें. आई एम श्योर सबके ऑफिस में तो डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल हो ही रहा होगा, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस इज ऑलवेज बेटर देन अ क्योर, राइट? तो सुना आप लोगों ने निधि जी क्या कह रही हैं, प्लीज फॉलो कीजिए इन्हें, बहुत बढ़िया मैसेज दिया है, जैसे हमेशा देती है सोशल मैसेजेस में बहुत मायने रही है, एंड फॉलो कीजिए ताकि इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगी जल्दी.
एंड वी नीड टू बिकॉज एवरीवन नीड्स टू वर्क, गो आउट देयर, घर पे बैठे बैठे सब थक गए हैं, सबको ब्रेक चाहिए, लेकिन घर बैठे बैठे एक चीज हुई कि हमें दूसरों के घर के चीजें हमें पता चलती है, जैसे निधि की राइटिंग के बारे में पता चला, तो वो फायदे भी होते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे इसे लेते हैं। निधि, ये जो एपिसोड एंड करने से पहले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के आपके जल्दी बताइए यार, फैंस रुके हुए हैं बहुत सारे। देखो अभी फिलहाल बिकॉज लॉकडाउन था, तो मेरे लॉकडाउन से पहले एज आई सेड एक प्रोजेक्ट जो रेडी है जिसका रिलीज बाकी है, दैट इज प्राइम फ्लिक्स का सेक्स स्पाइस एंड लाइफ। बाकी दो प्रोजेक्ट्स जो मैं शूट कर रही थी, जिंदगी रीसेंट फॉर रामची एंड द मिराज फॉर डॉन सिनेमा, ये इनकी शूटिंग पेंडिंग है। तो वंस इनकी शूटिंग हो जाएगी, दीज आर द प्रोजेक्ट्स दैट आई एम वर्किंग ऑन एज ऑफ नाउ। आई हैव नॉट साइंड अप एनी प्रोजेक्ट, आई एम लुकिंग एट स्क्रिप्ट्स, देख रही हूँ स्क्रिप्ट्स, कोई अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो डेफिनेटली आई विल साइन अनदर प्रोजेक्ट एंड आई विल लेट यू गाइस नो। एवरीबॉडी फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा नया प्रोजेक्ट कोई आएगा तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी एज अ प्रोड्यूसर लेटेस्ट रिलीज फिल्म फोर प्ले ऑन हॉट शॉट जरूर देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए वो फिल्म को। द एक्टर्स आर न्यू, वी हैव टेकन अक्षता अग्निहोत्री, आयान शेखावत, दे आर न्यू एक्टर्स एंड होपफुली यू लाइक देयर वर्क। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बढ़िया जर्नी, बढ़िया प्रोजेक्ट्स, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर, और क्या चाहिए। अगली बार अगर इंटरव्यू करेंगे तो और भी कुछ नए नए आपके अंदाज सामने देखने मिलेंगे हमें। एनीवेज थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग टाइम आउट। लेकिन जाने से पहले ये एपिसोड हम एक स्पेशल डे पे रिलीज करने वाले हैं, वो डे क्या है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। वो डेट 28 को होगा ये रिलीज, वो क्या है आई डोंट नो इफ यू नो इट, बट इट शुड बी, आपको पता है? अच्छा, सो सिंस वी आर एंडिंग इट, वी आर एंडिंग द इंटरव्यू विद वन थिंग दैट ये इंटरव्यू 28th ऑफ ऑगस्ट को रिलीज होने वाला है। 28th, अरे अरे बताइए मत, मुझे बताइए मत। देखो क्योंकि ये एंड है सो एवरीबॉडी शुड नो एंड एवरीबॉडी शुड से दैट आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे रोहन। हाय, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। ग्रेट 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 इंटरव्यू, बहुत मजा आया। ये क्योंकि पहले रिकॉर्ड हो चुका है तो हम एडवांस विशेस दे रहे हैं, लेकिन 28 के लिए आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे रोहन। आपको लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की मिले, आप जितना जो जो ड्रीम्स हैं आपके, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो सब अचीव करें एंड ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। थैंक्स अ लॉट। इन्होंने बेसिकली जो फ्राइडे को बोलना चाहिए था उन्होंने अभी एडवांस में बोल दिया, ताकि फिर तभी वो बोले या नहीं, अभी तो बोल दिया ना भाई मैंने एडवांस में, काम हो गया। तो एनीवेज थैंक्स अ लॉट, फोन पर्सनली किया जाएगा, डोंट वरी। जी मुझे भी पता आपका फोन आएगा मुझे, एंड थैंक्स अ लॉट दीदी आपने टाइम लिया, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर विशिंग मी वंस अगेन, एंड वी रिलीज दिस एपिसोड ऑन दिस स्पेशल डे बिकॉज दिस वॉज माई प्लान टू शूट विद यू एंड रिलीज ऑन माई स्पेशल डे ऑफ माई फ्रेंड्स। सो Have a God bless great life. आपके हर एक प्रोजेक्ट ऐसी तरक्की आपको मिलते रहे, आप आगे जाती रही, ऐसे ही हम इंटरव्यूज करते रहे और लगातार बहुत सारे हिट्स मिलते रहे, फैंस भी आपको देखते रहे हर एक एपिसोड में, हर नए अवतार में। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड फॉर मच मोर। गॉड ब्लेस निधि, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।